जब यूक्रेन जैसे छोटे देश ने रूस जैसी महाशक्ति से टकराने की ठानी, तब पश्चिमी देशों ने इस हिम्मत की दाद दी। उनकी तरफ से यूक्रेन को सामरिक और आर्थिक सहायता दी गई। उधर यूक्रेन में सेना में स्वैच्छिक भर्ती के जरिए वहां के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रूस को जोरदार टक्कर दी। लेकिन अब 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रही इस लड़ाई में सैनिकों की संख्या की कमी से यूक्रेन जूझ रहा है। ऐसे में अपनी सैन्य सेवा को अधिक आकर्षक बनाने के लिए यूक्रेन भर्ती के नियमों में कुछ परिवर्तन करने जा रहा है, ताकि सेना में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़े। सैन्य कमी को स्वीकार करते हुए सैन्य मनोवैज्ञानिक और अधिकारी एंड्री कोजिनचुक ने कहा कि हमारे पास अग्रिम पंक्ति के लोग खत्म होते जा रहे हैं। वे मर रहे हैं, बीमार या बूढ़े हो रहे हैं। लोगों के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भले ही हमारे पास आधुनिक ड्रोन, टैंक और हवाई जहाज हो, लेकिन उन्हें लोगों द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि नए लोग सैन्य सेवा में भर्ती नहीं ले रहे हैं, ताकि इस कमी को दूर किया जा सके। इस मुद्दे पर यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ वेलेरी ज़ालुजनी स्पष्ट तौर पर कहते हैं, युद्ध की लंबी प्रकृति, सैनिकों के रोटेशन के सीमित अवसर, सैन्य सेवा में किसी ठोस कानून का न होना, 1.5 साल से लड़ रहे सैनिकों के विराम या रिटायरमेंट की कोई तय समय सीमा का न होना, ये सब ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से सेना में शामिल होने को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं है। यही वो वजह है जिसके कारण हाल ही में यूक्रेनी सैनिकों के परिवार वालों ने अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। बिना किसी उत्साह के लंबे समय से लड़ते रहने से सैनिकों में आ रही निराशा भी इसकी एक बड़ी वजह है। यूक्रेन की घटती सैन्य संख्या से रूस भी वाकिफ है, इसलिए हाल ही में मॉस्को ने खुले रूप से दावा किया कि इस युद्ध में हजारों यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसी दावे के बाद आया एक और बयान चर्चा में था, वो था टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क का, जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा कि जेलेंस्की को युवा यूक्रेनी जवानों को जंग में भेजने से बचना चाहिए। अब समस्या यूक्रेन के सामने है, जिसको लेकर यूक्रेन समाधान भी निकालने जा रहा है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन सशस्त्र बल पेशेवर और प्रेरित कर्मियों की भर्ती के लिए एक नई और प्रभावी नीति शुरू करने जा रहा है। नई नीति सैन्य कर्मियों के प्रशिक्षण और व्यवसायिक विकास के साथ साथ लैंगिक समानता को भी ध्यान में रखेगी। सैन्य कर्मियों को शानदार वेतन और आवास की भी सुविधा मिलेगी। इस युद्ध में रूस जब सैनिकों की कमी से जूझ रहा था, तब उसने लोगों को सेना में शामिल होने के एवज में औसत वेतन से 8 गुना ज्यादा वेतन देने का प्रलोभन दिया था। अब यूक्रेन अपनी इस नई नीति को अपनाकर सैनिकों की कमी को भरने का प्रयास कर रहा है।